मऊ शहर में बाल निकेतन फाटक के नाम से मशहूर रेलवे के जीरो बी गेट पर ओवरब्रिज निर्माण की बुनियादी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले जमीन की उपलब्धता और वास्तविक स्थिति को जानने के लिए पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन को एक एक इंच मापने का निर्णय लिया गया। भूमि की माप को लेकर जहां पीडब्ल्यूडी में पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, वहीं सदर तहसील में रेलवे उत्तर प्रदेश सेतु निगम पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अभियंता की मौजूदगी में जिला प्रशासन के अधिकारी न सिर्फ भूमि का ठीक ठीक सीमांकन किया बल्कि अतिक्रमण को भी मौके पर चिन्हित किया गया। बाल निकेतन क्रॉसिंग से लेकर हट्टी मदारी पुलिस चौकी तक पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन माप की गई। पीडब्ल्यूडी और रेलवे के नक्शे के साथ ही सदर तहसील में मौजूद भूमि के दस्तावेजों का मिलान किया गया। दशकों पहले डेकुलिया घाट पुल गिर जाने के कारण पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कई लोगों ने अपने पक्के मकान बनाकर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था, उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और रेलवे के इंजीनियर के साथ जिला प्रशासन के उच्च स्तरीय मंथन में यह बात खुलकर सामने आई कि अतिक्रमण पर कार्रवाई किए बिना बाल निकेतन फाटक पर ओवरब्रिज बन पाना संभव नहीं होगा। SDM सदर अनु कुमार ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यही किया जाएगा, कुछ उसका स्ट्रक्चर और ये हमारे ब्रिज कॉर्पोरेशन के इंजीनियर है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनाया जाएगा कि जाम से निजात के ही लिए यहाँ पे ब्रिज बनाया। पिछली बार भी सर ये सीमांकन हुआ था, लेकिन उसका भी कुछ नहीं पता चला, उसका क्या हुआ? विस्तृत और माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन में चल रहा है कार्रवाई, जैसा रहेगा अब हम लोग रिपोर्ट वहाँ सबमिट करेंगे। पुलिस चौकियाँ भी आ रही हैं, क्या करेंगे? अब जो भी आएगा और जैसा डायरेक्शन ऊपर उच्च अधिकारियों का रहेगा फिर उसको इम्प्लीमेंट। सर एक बार और बताइए, मतलब ओवरब्रिज कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? अब एग्जैक्ट ये जो आपका वर्कशॉप है, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप है, वहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा ढेकुलिया पुल साइड, एक वाई सेम में बनेगा, एक ढेकुलिया पुल साइड जाएगा, एक सदर मार्केट में। सब दिखा जाएगा जब ये पुल बनेगा तो वहाँ पे जो दुकान है या घर है वो भी तोड़ने पड़ेंगे अगर अवैध होगा तो, फिर जैसा डायरेक्शन रहेगा।